व्यू शायद बहुत ही अच्छा होता होगा जब यहाँ पर बादल नहीं होते होंगे। बारिश, ग्रीनरी और ट्रेन की आवाज, थोड़ा बचपन से याद आ गया था बेलगाम में। बैंगलोर टू बेलगाम वॉज अ टायरिंग बट अ ब्यूटिफुल मॉनसून राइड। एंड नेक्स्ट डे इट वॉज रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड सो वी डिसाइडेड टू स्पेंड सम मोर टाइम एट अवर फ्रेंड्स प्लेस एंड गॉट डिलेड इन लीविंग फॉर अम्बोली। सो वी आर लीविंग फॉर अम्बोली। अम्बोली इज 69 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एक घंटा 36 मिनट दिखा रहा है, पर जैसे बारिश हो रही है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि एक घंटे 35 मिनट पे हम लोग पहुँचेंगे। लेट्स सी, लेट्स बिगिन द राइड। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। यू रीच एट 10:15? Your photo, I don't know why it was showing timing of 10:15. I was like, good morning, I was like, 10:15 बजे आप पहुंच गए थे, तो अभी 12:15 हो रहा है, दो घंटे से चाय पी रहे हो। चले फिर निकलते हैं। मैप्स पे देख रहे हैं? अभी तो लोकेशन मैंने अम्बोली डाली हुई है। अम्बोली इज स्टेट 60 किलोमीटर्स। वहाँ पहुँच के विल सी रिजॉर्ट का। चले, काफी बारिश हो रही है, रोड का हाल खराब है, काफी लैंडस्लाइड वगैरह भी होती है इस रास्ते पर मैंने सुना है। अम्बोली के लिए निकलने से पहले हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट चेक किया था अम्बोली का, एंड इट वाज शोइंग हैवी रेन्स एंड इट वाज एक्चुअली रेनिंग हैवीली थ्रू आउट द वे टू अम्बोली, बट दैट्स व्हाट वी एक्चुअली विश्ड फॉर। मॉनसून इन महाराष्ट्र वॉज अ लॉन्ग पेंडिंग राइड एंड फाइनली थ्रू सम रियली बैड स्ट्रेचेज ऑफ रोड्स एंड सम रियली प्लीजिंग ग्रीनरी ऑफ द कंट्री साइड वी एंटर्ड वेस्टर्न घाट्स एंड कॉन्टिन्यूड अवर रेन राइड टू अम्बोली। रास्ते बारिश हुई यार, बहुत तेज। सर एक एक चाय पी के चलते हैं क्या? आप महाराष्ट्र आए हो पहले बाइक पे? बाइक पे नहीं, बाइक पे, बाइक पे। ओके ओके, हाँ ओ। So we have reached Amboli और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी पूरे रास्ते में, अभी भी हो रही है बारिश। So that's my bike और बगल में संजय सर की बाइक खड़ी हुई है डोमिनार एंड बारिश। तो यहाँ पर बस एक चाय पीने के लिए रुके हुए हम लोग क्योंकि पूरे बारिश में भीग गए, ठंड बहुत लग रही है एंड द रिजॉर्ट वेयर वी आर स्टेइंग इज जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो बस एक चाय पी के वहाँ निकलते हैं। अथर रिजॉर्ट, चाय पी के सुकून मिला था। हेलो सर,
गुड गुड शिरीश राइट शिरीश हाँ हाँ राजेश For you it was just 120 kilometers, no? 160. तो एज आई टोल्ड कि वी आर राइडिंग टू अम्बोली फॉर अ पर्पस और ये जितने भी लोग मैंने अभी दिखाए चार पांच राइडर्स रितेश संजय शिरीश राजेश सो दिस इज द ग्रुप विद हुम आई विल बी राइडिंग फ्रॉम ले टू कन्याकुमारी ये मेरे साथ के लोग हैं और इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा था एंड रितेश हैज़ कम फ्रॉम मुंबई बाकी गोवा से आए हैं और सांगली से आए हैं एंड देन संजय केम अलॉन्ग विद मी फ्रॉम बैंगलोर इन लोगों के साथ मैं K2K राइड कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो एनी वन ऑफ देम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग हियर ये पॉइंट डिसाइड किया था सो दैट एवरीबडी कैन राइड 400-500 किलोमीटर्स और एक जगह पर सब लोग मिल रहे हैं मिलने तो आपको लग रहा होगा कि जिनको मैं जानता नहीं हूँ उनके साथ में मैं K2K राइड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ K2K की सारी डिटेल्स K2K प्लान वाले वीडियो में मैं डालूंगा वेट फॉर अ वाइल एज ऑफ नाउ विल जस्ट हेड आउटसाइड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है एकदम बारिश हो रही है फॉगी हो रखा है तो विल जस्ट हेड आउट एंड एंजॉय अम्बोली सी एंड शूट कपल ऑफ प्लेसेस यू गाइस ऑल्सो एंजॉय इट सो वी आर लीविंग फॉर वन वाटरफॉल नियर बाय कौन सा वाटरफॉल है ये तो पूछना ही भूल गया यार मैं पर अभी गोवा रास्ते पर ही है कितना ज़्यादा मिस्टी हो रहा है यार देयर इज नो विजिबिलिटी एट ऑल यू सी इन द वैली कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है यार मतलब अभी एक बार ऐसा हुआ था कि शिरीश एंड राजेश्वर अहेड और हमें दिख ही नहीं रहे थे वो बिकॉज वी हैव टू फॉलो देम कोई रास्ता पता नहीं हम लोग को तो वी आर नॉट एबल टू ट्रेस देम दे वर जस्ट 100 मीटर्स अहेड और उसके बाद भी दिख ही नहीं रहे थे हमको आई रिमेंबर ऐसा फॉग मैंने लास्ट टाइम व्हेन आई वाज राइडिंग इन वागामॉन केरला बिल्कुल ऐसा ही फॉग था दैट वॉज बैक इन 2016 आई गेस यस वहाँ पर ऐसा हाल था और अभी कितना 5 बज रहे हैं क्या मजा आता है लोगों को यार ऐसे चलने में हाँ पूरी सारी जनता वाटरफॉल पर नहा के आ रही है गेस पर ठीक है नहा के आ रही है फिर भी नंगे क्यों घूमना है यार इतनी भी गर्मी भी नहीं हो रही है रास्ता खराब है काफ़ी और लिखा हुआ था भी एक वार्निंग लिखी हुई थी लैंडस्लाइड जोन है ओके इतने सारे ढाबे दिख रहे हैं भीड़ दिख रही है मतलब वाटरफॉल पहुंच गए हम लोग शिट यार मेरे को लगा था कि क्राउडेड नहीं हो गई है व्हाट वाज ही सेइंग कि बाइक पूरा आगे तक जाएगी Waterfall was too crowded and we decided to leave and started riding in fog again for our next destination. Oh. Superb man. Kya sahi view rakha hai. Wow.
भाई साहब यहाँ से तो लौटते हुए बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींच ली होंगी। हाँ नाइस। मॉनसून मजा ही गुजर है यार मॉनसून का। अभी रितेश की रेन जैकेट का कलर और ग्रास का कलर मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। वाओ क्या सही ग्रीन दिख रहा है यार पूरा लवली। रोड काफी खराब है पर रास्ता बहुत ही सुंदर है यार। वाओ वो है ना व्यू पॉइंट। हाँ खावलेसड़ व्यू पॉइंट और व्यू शायद बहुत ही अच्छा होता होगा जब यहाँ पर बादल नहीं होते होंगे। इट वॉज वेरी मिस्टी एट खावलेसड़ व्यू पॉइंट एंड वी कुडंट सी एनीथिंग इन द बिगनिंग। As the clouds subsided. Okay, so we are at Kavlesar viewpoint. और जैसा view यहाँ से दिख रहा है, I have never ever seen anything of this sort. मतलब मैंने जितनी photographs देखी हुई थी कि मेरे को मानसून इन महाराष्ट्र करना है या वेस्टर्न घाट्स में ऐसी जगह पर जाना है, all that scenery comes alive at this place. Let me show you the place now. दिस ये पानी हवा से उल्टा आ रहा है पूरा। यार यहाँ पे तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और नाइस मैन व्हाट अ व्यू। ये वाला व्यू है ना ऐसा वाला ऐसा मैंने महाराष्ट्र का ही देखा है सारा। अंबो ले लो अपन कावड़े साथ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे हम अंबोली में कावड़े साथ करके जो पॉइंट है यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 वाटरफॉल है। आप यहाँ पे वैली में देख सकते हैं ऐसा 1, 2, 3, 4 और ये साइड में 3 ऐसा टोटल 7 यहाँ पे वाटरफॉल है। ओ अभी क्लाउड की वजह से कितना दिख रहा है अपन को? 1 हाँ, 2 एक वो दिख रहा है, 2 वहाँ पे, एक दूसरा है, यहाँ पे एक तीसरा है और आगे जाके देखेंगे और भी शायद वहाँ पे दिखेंगे और वो साइड में। ओ इट्स वंडरफुल। Stretch of road to Kavalesar will remain in my heart forever for two reasons. One, because of the unforgettable views and the feel of the place, and secondly, because at this very curve I crossed 10,000 subscribers on YouTube.
दिस इज इट फ्रॉम अंबोली. आई होप यू गाइज लाइक द प्लेस एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अंबोली का. आई वॉन्ट टू डू मॉनसून इन महाराष्ट्र एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग. नेक्स्ट वीकेंड आई एम अगेन राइडिंग टू महाबलेश्वर. सो लेट मी नो इन कॉमेंट्स हाउ वॉज द प्लेस, हाउ वॉज द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई महाबलेश्वर व्लॉग्स. बाकी के टू के प्रमिशंस के तो वीडियोज अभी आते ही रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, लेट मी नो इन कमेंट्स हाउ वॉज दिस. बाय बाय, लव यू ऑल. डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन.